रोहित उसे परेशान करता था। वो अपने भाई से घर का सारा काम करवाता था और खुद एक भी काम नहीं करता था। बस जंगल से लकड़ियाँ लाने जाता था और उन्हें नगर में बेचता था। लेकिन उसका छोटा भाई बहुत दयालु था। एक दिन सुबह सुबह, रोहित भैया उठो, आज जंगल नहीं जाना क्या आपको? काम के लिए देर हो रही है, उठो भैया उठो। अरे सुबह सुबह क्यों सर पे चढ़े हो, सोने दो मुझे, जाकर अपना काम कर। मैं भी सोकर उठूंगा तब जाऊंगा, चल जाए यहाँ से। लेकिन भैया मुझे खाना बनाना है और लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। सोने भी नहीं देते। हाँ हाँ जा रहा हूँ। रोहित अंगड़ाई लेते हुए उठता है और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकलता है। भैया जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। रोहित जंगल में पहुँच गए। रोज तो मैं यहीं से लकड़ियाँ लेकर जाता हूँ, आज थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। यही सोचकर वो आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बहुत सुंदर दिखने वाला पेड़ दिखाई दिया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा पेड़ है, अगर मैंने इसे आज काट लिया तो 10-15 दिन के लिए आराम हो जाएगा। रोहित ने यही सोचकर जैसे ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही वो पेड़ बोला, रुको भाई रुको, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम मुझे मत काटो। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं अपने सोने का फल तुम्हें दे दूंगा।